न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका वुमेन्स टीम का जो तीसरा मैच है वो काफी रोमांचक हो सकता है। जैसा पहला दो मैच आपको देखने को मिला, टक्कर हुआ टीमों के बीच में, और उसी ग्राउंड पे ये भी मैच है, तो आपको उसके हिसाब से ही ड्रीम इलेवन की टीम बनानी होगी, आपको उसके हिसाब से ही कैप्टन वाइस कैप्टन से पिक चूज करने होंगे। तो आपके लिए हम सारे डिटेल्स इस वीडियो में लेके आए, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, टू द पॉइंट सीधा बात करेंगे, इसलिए आप फटाफट जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर और कमेंट तो आप करेंगे, साथ में नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिएगा। जहां तक इस वीडियो का सवाल है, ये वीडियो जो इस मैच के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका का तीसरा मैच कॉमनवेल्थ गेम्स का 30 जून को शाम को 3:30 बजे, जी हाँ, अब कंफर्म टाइम है 3:30 बजे खेला जाएगा, अब 4:30 बजे नहीं, 3:30 बजे ही कंफर्म टाइम है खेला जाएगा, और जो टॉस का टाइम है वो 3 बजे होगा, जो आपके लिए क्रूशियल है। जब आपको जो फाइनल स्क्वाड मिलेगी तो आप प्लीज हमारा ऐप भी चेकआउट कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी 3:02 में, जैसे ही फाइनल स्क्वाड की अपडेट आएगी, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, और वेबसाइट भी चेकआउट कीजिएगा, हमारा वेबसाइट पे भी आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे हम सारी बातें करेंगे इस मैच के बारे में, लेकिन उससे पहले इंट्रो का वेट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक कुमार केडिया आपका स्वागत करता हूँ इस ब्रांड न्यू वीडियो में फैंटेसी गली की तरफ से, जहां हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका वुमेन्स बनाम न्यूजीलैंड वुमेन के बीच में जो मैच होगा उस मैच के बारे में फटाफट हम देख लेते हैं पिच एंड कंडीशंस कैसे हैं। भाई साहब, पहले दो मैच जो है उसके अकॉर्डिंग पिच जो है बैटिंग फर्स्ट प्रेफरेबल अभी भी दिखाई दे रही है, और खास तौर से ये पिच अमूमन हिस्टोरिकली जो डेटा आप देखते हैं पिच रिपोर्ट के हिसाब से वो बैटिंग फर्स्ट के लिए पिच अच्छी रहती है, बैटिंग सेकंड में यहाँ पे क्योंकि दिन का मैच है, सेकंड मैच सेकंड इनिंग्स में स्पिनर्स थोड़ा सा प्रभावी हो जाते हैं, थोड़ा सा पिच स्लो हो जाती है, तो इसलिए सेकंड इनिंग्स उतना प्रेफरेबल ऑप्शन प्रेफरेबल चॉइस नहीं बनता है आपके लिए, इसलिए आप बैटिंग फर्स्ट को ही प्रेफर दें इस टीम में। हालांकि न्यूजीलैंड का पलड़ा काफी भारी है, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड से उतना फर्क गिरने वाला है नहीं। यहाँ पे वेदर रिपोर्ट देखें तो वेदर रिपोर्ट के हिसाब से एक कंडीशन है जहां पे आप बैटिंग सेकंड चूज कर सकते हैं, वेदर रिपोर्ट के हिसाब से देखिए यहाँ पे 19 डिग्री और 74% तो है ह्यूमिडिटी, बट वेदर रिपोर्ट के हिसाब से बारिश आने के चांसेस है थ्रू आउट द डे, इसलिए थोड़ी दिक्कत की बात है। यहाँ पे वेदर रिपोर्ट के हिसाब से बारिश जो होंगी, बारिश के वजह से सेकंड इनिंग्स को प्रेफरेबल ऑप्शन मिल सकता है बैटिंग करने का, बट वही एक केस है, बस आप एक बार चेक कर लीजिएगा वेदर रिपोर्ट उस समय कैसी है, उस समय वो चेक करने के बाद ही अपनी स्क्वाड बनाए, बस ये आप प्रिकॉशन ले लीजिएगा, बाकी आपको टीम कैसी बनानी हो तो हम बताएंगे ही आपको। यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं, हेड टू हेड कैसा है इन दोनों टीमों के बीच में, तो हेड टू हेड न्यूजीलैंड काफी वे अहेड है, और थोड़ी सी ज्यादा वे अहेड इसलिए हो गई क्योंकि साउथ अफ्रीका के मेन कुछ प्लेयर्स अवेलेबल नहीं इस मैच में खेलने के लिए, जैसे कि त्रिशा चेट्टी और टूमी सेकुखने, ये दोनों जो है साउथ अफ्रीका के मेन स्टेज हैं, इन ये दोनों इंजर्ड है। त्रिशा चेट्टी विकेट कीपर है, उनकी जो रेगुलर विकेट कीपर थी वो नहीं खेल रही है, उनके जगह अब जो है टीम में आपको स्पिनोला जाफ्ता जो है विकेट कीपिंग करते हुए दिखाई देंगी, जो मेन विकेट कीपर है वो है नहीं उनके पास। फिर ऑलराउंडर्स में तुमी सगुकुने, उनको भी इंजरी हो गई है, वो भी नहीं खेलेंगे, साथ में मरीजन कैप जो उनकी प्रीमियर ऑलराउंडर है वो भी इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, अपने कुछ पर्सनल इवेंट की वजह से वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रही है। तो आप ये सब सिलेक्शन जो है बड़े ध्यान से बड़े ध्यान से समझ के सोच समझ के कीजिएगा, आप अपनी टीम में सिलेक्ट मत कीजिएगा इनको। चलिए आगे हम बढ़े, इससे पहले आपको प्रोबेबल 11, क्योंकि इतने सारे चेंजेस स्क्वाड में, तो प्रोबेबल 11 कैसी दिख सकती है उसका एक आइडिया दे देते हैं। न्यूजीलैंड की प्रोबेबल 11 आपको दिख सकती है, सूजी बेट्स, सॉफी डिवाइन, एमिलिया केर, जॉर्जिया प्लिमा, मैडी ग्रीन, ब्रुक हेलिडे, जेसिका मैकफेडन, ली टहुहुल, हाना रो, जेस केर, रोजमेरी मेयर, ये आपकी न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 दिख सकती है। साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11, एनके बोश, लारा गुडॉल, सुन लूस, लोरा वुलवर्ट, मेगनॉन डे प्रीज, क्लोक ट्रायन, नेडिन डे क्लॉक, सिनोला जाफ्ता, सबनेम इस्माइल, मसाबाता क्लास, आयाबोंगा खाखा, ये आपकी प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका की दिख सकती है। इन दोनों टीमों को आप अच्छे से ध्यान से वापस से रिपीट करके सुन लीजिएगा, थोड़ा स्किप बैक करके वापस आप सुन लीजिए, ताकि आपको जो है प्लेइंग 11 बनाने में आसानी हो जाए। वैसे प्लेइंग 11 कैसी बनेगी देखना है तो एक लाइक तो बनता है। चलिए आपको आपके लिए अलग अलग प्लेइंग 11 बना के लाए हैं, स्मॉल लीग या हेड टू हेड में अगर आप बना रहे टीम, स्मॉल लीग या हेड टू हेड के लिए अलग से आपके लिए टीम है। यहाँ पे विकेट कीपर्स में जेसिका मैकफेडन, बैटर्स में लोरा वुलवर्ट, मैडी ग्रीन, सुन लूस और सूजी बेट्स, ये चार ऑप्शन आप बैटर्स में ट्राई कर सकते हैं, एक विकेट कीपर ले लीजिए। न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर्स में एमिलिया केर, नेडिन डेक्लॉक, सॉफी डिवाइन, ये आपके तीन ऑलराउंडर्स हो गए। बॉलर्स में आयाबोंगा खाखा, हेली जेनसन, लेव टहुहुल, ये आपके प्लेइंग 11 दिखेगी ऐसे स्मॉल लीग या हेड टू हेड में।
अब कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन में देखें तो लॉरा वुडवर्ड को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, सूजी वेब पेट्स ये कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन है, और दो ऑब्वियस चॉइस सबके ऑलमोस्ट ही सेम रहेंगे, एमिलिया कर और सॉफी डिवाइन, ये आपके दो कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन। तो आप इन चारों में से किसी भी मतलब मल्टीपल टीम्स बना रहे, तीन टीमें चार टीमें, तो आप अलग अलग कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लीजिए आपके लिए स्मॉल लीग या हेड टू हेड में। चलिए ये तो स्मॉल लीग हेड टू हेड की बात हो गई, अब बात करते हैं ग्रैंड लीग की। जी हाँ, ग्रैंड लीग में आपकी टीम कैसी दिख सकती है, तो ऐसी टीम दिख सकती है विकेट कीपर सेम टू सेम रहेगी न्यूजीलैंड की आपकी जेसिका मैकफेडेन, और बैटर्स में लॉरा वुडवर्ड, मैडी ग्रीन, जूसिन सूजी बैट्स, ये तीन आप बैटर्स ट्राई कर लीजिए, इसमें चार नहीं तीन बैटर्स है, ध्यान दीजिएगा ग्रैंड लीग के लिए टीम है। ग्रैंड लीग में आपके लिए वापस मैं दोहरा रहा हूं, विकेट कीपर्स में जेसिका मैकफेडेन, बैटर्स में लॉरा वुडवर्ड, मैडी ग्रीन, सूजी बैट्स, ये आपके तीन बैटर्स हो गए, और ऑलराउंडर्स में एमिलिया केर, एनके बोश, सॉफी डिवाइन, क्लोड ट्रायन, ये आपके चार जो है ऑलराउंडर्स काफी है दोनों टीम में मिला के, तो आप चार ऑलराउंडर्स ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग में। खास तौर से बॉलर्स में आया होगा खाका, सबनीम इस्माइल और ली तबू, ये आपके तीन बॉलर्स ट्राई कर लीजिए आप, ये आपकी प्लेइंग इलेवन है। स्मॉल लीग हेड टू हेड में 7-4 का रेशियो, 7 न्यूजीलैंड का, 4 साउथ अफ्रीका का, और ग्रैंड लीग में आपके 6-5 का रेशियो, 6 न्यूजीलैंड का, 5 साउथ अफ्रीका का। तो इस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद भी बना सकते हैं, आप ट्राई आउट करना मत भूलेगा, दोनों की अलग अलग टीम आपस से आप बैक करके फ्रंट करके आप चेकआउट कर लीजिए, उसके हिसाब से आप अपनी टीम बना सकते हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन जाने से पहले वापस कहेंगे कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारी वेबसाइट है www.fantasygully.com, यहाँ पे तो आपको मैंने सिर्फ दो टीम दिखाई, वहां पे आपको 60-70 टीम मिलेगी, तो आप प्लीज आके चेकआउट जरूर कीजिएगा हमारी वेबसाइट को www.fantasygully.com। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो आप फॉलो करेंगे, साथ में हमारा ऐप जो है फैंटेसी गली का उसको भी डाउनलोड करना मत भूलिए, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, चाहे वेबसाइट हो, चाहे ऐप हो, चाहे सोशल मीडिया हैंडल, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लीज चेकआउट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए बिना मत जाइएगा। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मैं रौनक कुमार केडिया अलविदा कहता हूँ, टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट।